जय हिंद। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपको छोटे बड़े काम के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाएगा, सभी समस्याओं का। इसके लिए ज़रूरी है आप बैंक ऑफ इंडिया के ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाला बटन बगल में होता है उसको दबा लो। जी हाँ, उसको ज़रूर दबाओ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर दबाओ, और क्योंकि 90 से 95% की जानकारी आपको मैं यहीं पर दे दूँगा। आप कोई भी मैसेज मुझे भेजते हो, आपको कोई भी बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आता है, मुझे भेजते समय ध्यान रखें, जैसे कि मैंने चेंज कर दिया है, ये इन्होंने भाई साहब ने भेजा था तो इन्होंने अपने नाम की जगह राजेश सिंह यादव कर दिया, और ये सब ये जो है यहाँ से यहाँ तक सेम रखा, और ये नंबर है ये नंबर भी चेंज कर दिया, कहीं पर 3 की जगह 5 कर दिया, 6 की जगह 9 कर दिया, 10 की जगह 12 कर दिया, 1 की जगह 0 कर दिया, समझ गए ना, मतलब जितने अंक थे उतने अंक ही रखे लेकिन नंबर चेंज कर दिया और बाकी सेम रखा। आप भी मुझे कोई मैसेज करते हो या कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते हो तो अब इस बातों का ध्यान रखें कि अपना नाम चेंज कर दें। जो अंक होते हैं ये अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तो वह अंक रहने दें लेकिन उसके बदले चेंज कर दें। जैसे आपका 3 4 5 6 है तो आप उसकी जगह 1 2 3 4 कर दो, बराबर है, समझ गए, ताकि कोई सिक्योरिटी लीक ना हो। अगर मोबाइल नंबर लिखा है आपका तो मोबाइल नंबर की जगह दूसरा कोई मोबाइल नंबर लिख दो, जैसे 9 2 4 6 0 0 0 0 इस तरह करके, क्लियर है। तो इस तरह मैसेज मुझे भेज दिया करो, आपको समस्याओं का समाधान बता देंगे। फिलहाल ये भाई साहब को मैसेज आया, इनका मैसेज ये है कि डियर राजेश सिंह यादव, योर KYC रिकॉर्ड बियरिंग नंबर इतना अपलोडेड टू सरसाई इज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल KYC रजिस्ट्री बाय बैंक ऑफ इंडिया। अब इनको ये मैसेज आया, इस मैसेज का क्या मतलब है? तो दोस्तों अभी फ़िलहाल बैंक ऑफ इंडिया में जनवरी महीने से काफ़ी क्राउड चल रहा है, काफ़ी रश चल रहा है, काफ़ी भीड़ चल रही है, क्योंकि उनका सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहा है। इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके मुताबिक इन्होंने अपना सिस्टम जो कंप्यूटर है उसको अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसके बाद इन्होंने एक तरह से काफ़ी समय से 2-4 साल से करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने सालों से, कि CKYC ये लोग कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और उसको सिस्टम में अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद क्या हो रहा है, एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है कि जिस जो कस्टमर है उसके मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक ऑफ इंडिया में उसके मोबाइल नंबर पे ये नंबर रजिस्टर्ड होकर आ रहा है कि आपका CKYC सेंट्रल KYC रजिस्ट्री कर दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया से। मतलब ये जो है बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टम में तो हो भी गया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास जो सेंट्रल KYC का रजिस्टर है जो सभी जगह मान्य है, सभी जगह आपका रिकॉर्ड एक तरह से ये नंबर से आपको सब जगह आधार कार्ड पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसके माध्यम से ही आपका CKYC हो जाएगा। आप कहीं पे भी अपलोड कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट वहाँ ज़रूरत नहीं है, ये KYC नंबर दीजिए, इससे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कन्फर्मेशन है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपका KYC सिस्टम में अपग्रेड हो गया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई और सवाल है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।